आई गॉट प्रेगनेंट और देन मैंने बेबी को डिलीवर किया, उसके बाद मेरे बच्चे को एक साल बड़ा कर दिया है, तो अब मैंने सोचा अब मैं काम कर सकती हूँ, बोल दिया है नीरज ने। तो बड़ा ही अतरंगी सिलसिला है ये, खुद को नहीं पहचानता तो शीशे में देखता हूं, तो मतलब मैंने वेट गेन किया है, मसल लूज किया है, मैं तो इतना एनवी फील कर रही हूं ना, ही कैन ईट एनीथिंग, और मैं तो आजकल खाना मैंने बंद कर रखा है कि कुछ और ही हो गया मेरे साथ। An apple a day is not enough anymore. Suddenly, बिल्कुल बिल्कुल रेट्रो वो जीनत अमान वाली लुक ना, कि बिल्कुल रेट्रो हीरोइन से होती थी। हाँ, हीरोइन यही है, बिल्कुल बिल्कुल, वन वुमन मैन है ये। So, पहला दिन है तो हमारी बॉन्डिंग दिख रही होगी ना आपको। इस ब्रेक में मुझे लगता है जवाब थोड़ा लंबा होने वाला। पर क्या करें, भूख बहुत लगी है। तो बड़ा ही अतरंगी सिलसिला है ये। हम अतरंगी ओटीटी के लिए एक एंडेमॉल की वेब सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है एक था जौहरी। एक था जौहरी एंड बहुत प्यारी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बॉम्बे आता है डायमंड बिजनेस समझने के लिए एंड facing a lot of challenges and a lot of challengers. ये diamond पहले से था उसके पास, by the way, college से diamond वो अपने साथ लेके घूमता है, and I think Tani is Neeraj, मेरा का जो character है, biggest support in life, and she is a leading lady, and together with her help and with his sharpness, he becomes the diamond king of the country, and then does a scam that nobody could even think of. बस सब बोल दिया है नीरज ने। बहुत मुश्किल से भी नीरज निकलने लगा है तो अभी, क्योंकि निशांत की जगह। सो टुडे इज द फर्स्ट डे दैट आई एम शूटिंग विद चारू, आई मीन वी हैव नेवर वर्क्ड बिफोर, बट आई हैव टू से यू आर अ वंडरफुल एक्ट्रेस टू वर्क विद एंड वेरी हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी स्पॉन्टेनियस। थैंक यू। लुक के बारे में जानना चाहेंगे, काफी अलग आप नजर आ रहे हो इस वक्त, फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके लुक के बारे में? मैं खुद को नहीं पहचानता तो शीशे में देखता हूं, तो मतलब मैंने वेट गेन किया है, मसल लूज किया है, मैं तो इतना एनवी फील कर रही हूं ना, ही कैन ईट एनीथिंग, और मैं तो आजकल खाना मैंने बंद कर रखा है। मुझे तो बोला गया है कि भाई दिन में 3 समोसे खाने हैं, सोने से पहले आइसक्रीम खानी है, इस लिटरली मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया, मैंने बताया ऐसा कैरेक्टर है, बिल्कुल गुजराती छोकरा है, मतलब कहीं से भी ऐसा जो मेरे रोल्स रहे एक्शन हीरो वाले वो बिल्कुल नहीं है, तो उसने उन्होंने मुझे डाइट दी है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे पास्ता खाया था फुल चीज वाला, मतलब आई डोंट वांट टू ईट बट क्या करूँ, खाना पड़ रहा है। आपके डाइट के बारे में कुछ? सो मैं आजकल कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं हमेशा हमेशा मुझे भूख लगी रहती है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ नया भी पाना पड़ता है कुछ पाने के लिए। गुड बॉडी मतलब इंडस्ट्री में पीपल टॉक अबाउट इट, बट फर्स्ट टाइम आई डोंट हैव टू वर्कआउट एंड आई डोंट हैव टू डाइट एंड आई डोंट हैव टू ईट राइट। जीवन में क्या चाहिए, बस एक साधारण आदमी की जिंदगी है, जब दिल करा जो दिल करा खा लिया बस। मेरा तो उल्टा चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त ही भूखी रहती हूँ। ये दूसरी बार बोला इन्होंने अभी 2 मिनट में, भूख लगी लगता है आपको। बोला ना हर वक्त लगी रहती है। सो लंच के टाइम पे भी मैंने जितनी मुझे भूख होती है ना मैं उससे आधा खाती हूँ, तो आधा पेट खाली रखती हूँ। सो ये स्ट्रगल अभी लाइफ में चल रहा है, और आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगती है, जब से जियाना हुई तब से मुझे भूख ज्यादा लगती है, पहले तो उतना वो कहते ना माँ की मेहनत, मतलब बच्चा पालने में जो मेहनत लगती है वो कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए भूख बढ़ना तो बड़ा लाजमी सी चीज है। सो पहले ऐसा होता था कि एक एप्पल खा के मैं पूरा दिन चला लेती थी, आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और ही हो गया है मेरे साथ। An apple a day is not enough anymore. एक्चुअली मेरी लाइफ का ये सबसे डिफिकल्ट रोल है, क्योंकि मैं नीरज और निशांत पोल्स अपार्ट है, निशांत में जो कुछ है नीरज में वो कुछ नहीं है, और नीरज में जो सब है वो निशांत में नहीं है, लाइक बिल्कुल ही दो अलग छवियां हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये रोल प्ले करने में, और इस सीरीज़ में एक खास बात मेरे लिए जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी वो ये थी कि
1989 से लेकर 2015-18 तक की कहानी है और इस कैरेक्टर की 20 साल की उम्र से लेकर 45-50 तक की कहानी है. तो आई एम गेटिंग टू प्ले 19-20 ईयर्स ओल्ड, आई एम गेटिंग टू प्ले 23-24 ईयर्स ओल्ड इन 92, एक गुजराती छोकरा वाला रोल. अब मैं 30 को जाऊंगा तो एक अलग लुक होगी, एंड व्हेन आई क्रॉस 40 इन दिस शो आई हैव अ लुक दैट नोबडी कैन इमेजिन दैट आई कैन लुक लाइक दैट और आई कैन कम ऑन स्क्रीन लाइक दैट. एंड आई थिंक द ऑडियंस विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड दिल बी वेरी हैप्पी. या सेम यू विद मी. सो एक जर्नी है पूरी. सो 20 साल की है, फिर यू नो शी विल गेट मैरिड, बच्चे होंगे शायद, और उसके बाद में सो ये पूरी जर्नी है. चेंज काफ़ी सारे यू नो चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी सारे लुक्स चेंज होने वाले हैं. तो काफ़ी अपने लुक्स के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ. अब तक आप लोगों ने मुझे शोज में देखा है सलवार कमीज में या कॉटन की साड़ी में, तो अभी सडनली बिल्कुल रेट्रो वो जीनत मान वाली लुक ना कि बिल्कुल रेट्रो हीरोइन जो होती थी. हाँ, सो मुझे खुद भी बहुत मजा आ रहा है करने में क्योंकि बिल्कुल ही अलग कुछ प्ले कर रही हो. तो या वेल, अगर दोनों की केमिस्ट्री की बात किया जाए तो ऑफ स्क्रीन क्या कुछ बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? सो पहला दिन है फिर भी हम लोग ऐसे तो हमारी बॉन्डिंग दिख रही होगी ना आपको, ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट डे शूट कर रहे हैं हम. सो बड़ा मजा आ रहा है. वेल, अगर शूटिंग की बात किया जाए तो काफी टाइम बाद आप चालू नजर आ रहे हो फैंस को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इतना जो लंबा ब्रेक आपने लिया था तो क्या कुछ किया है वो ब्रेक के अंदर? और सो इस ब्रेक में मैं मुझे लगता है ये जवाब थोड़ा लंबा होने वाला नहीं नहीं. सो इस ब्रेक में सबको ही पता है कि यू नो आई गॉट प्रेग्नेंट, देन मैंने बेबी को डिलीवर किया, उसके बाद बच्चे को एक साल बड़ा कर दिया है. तो अब मैंने सोचा अब मैं काम कर सकती हूँ, तो वापस शेप में, थोड़ा बहुत शेप में आई हूँ वापस. अभी काम चालू है बॉडी पे, तो वही या पर क्या करें, भूख बहुत लग रही है. अतरंगी और एंडमॉल दोनों साथ में कोलैब कर रहे हैं, तो तो ये सीरीज अतरंगी ओटीटी पे आने वाली है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडमॉल फिल्म्स एंड कंटिन्यूम फिल्म्स. एंड अतरंगी ओटीटी एज वी ऑल नो इज अ चैनल व्हिच इज अ ड्रीम चाइल्ड ऑफ विभु अग्रवाल जी, एंड आई थिंक ही इज अ विजनरी एंड वो इस चैनल को बहुत ही आगे ले जाना चाहते हैं. एंड आपने देखा ही होगा कि अतरंगी की जितनी भी सीरीज आती हैं पूरे मुंबई में उसकी होर्डिंग्स देखते हैं. हाँ, और शोज काफी डिफरेंट है, उनके कंटेंट काफी अच्छे आ रहे हैं. सो एक्साइटेड कि जौहरी की भी ऐसे होर्डिंग्स लगेंगे हमारी पूरे मुंबई में और ऑल द कंट्री. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. आप लोगों का लव स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जैसे निशांत बताया कि आपको वेरियस वेरिएशंस एजेस का आप रोल प्ले कर रहे हो, तो हीरोइन यही है बिल्कुल बिल्कुल वन वुमन मैन है ये 19. हाँ, क्या कुछ देखने मिलने वाला है? तो नीरज और तनी का जो प्यार था वो दे मेट इन कॉलेज, दे मेट इन अमेरिका, वो वॉटन में पढ़ाई करते थे साथ में, तो वहीं उनकी मुलाकात हुई थी. शी इज ऑल्सो फ्रॉम अ डायमंड फैमिली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ डायमंड फैमिली, बट मैं अकेले कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मेरा कुछ अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं है. तनी इज द ओनली फैमिली एंड द ओनली रियल सपोर्ट दैट नीरज हैज कॉलेज की दोनों से लेकर टिल ही मेक्स इट वेरी बिग. यू नो शी इज़ द वन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड मोटिवेटिंग हिम एंड टेलिंग हिम कि यार यू कैन डू इट एंड हेल्पिंग हिम ओपन डोर्स फॉर हिम टू प्रोग्रेस. लास्टली सभी फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कब से है वो आप लोगों को स्क्रीन पे देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से देखेंगे हमें? अब कब से तो देखेंगे वो मुझे नहीं पता कब देखेंगे वो तो एंडमॉल और अतरंगी जाने कब देखेंगे. हाँ, लेकिन हम लोग बहुत ही प्यार से ये शो को बना रहे हैं, बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, तो प्लीज हमारा शो देखिए. एंड सीरियसली ये बिल्कुल भी एक रेगुलर टीवी शो नहीं है, दिस इज अ ब्यूटीफुल वेब शो बीइंग शॉट लाइक अ फिल्म बाय अ वेरी वेरी अमेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पार्थो मित्रा. एंड ही इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर. एंड मैं बताना चाहूंगा लोगों को चीज, मैं 12 साल पहले बॉम्बे आया था एक्टर बनने के लिए. उस टाइम पे मैंने सुना था कि कोई बालाजी के या कहीं के ना कोई लेजेंडरी डायरेक्टर है पार्थो दा, तो मेरे को लगता था यार मैं कब काम करूंगा इतने बड़े डायरेक्टर के साथ. आज 12 साल बाद आई एम गेटिंग द चांस एंड आई हैव टू से द वर्थ द वेट वॉज वर्थ इट. सो मैंने मेरे अंगने में जो शो था मेरा, मैंने उनके साथ शूट किया था. उसके बाद से जब मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि यू नो पार्थो दा हम लोगों का ये डायरेक्ट करने वाले हैं शो, मुझे पता था कि ये शो बहुत ही अमेजिंग निकल के आने वाला है. तो या कैप्टन ऑफ द शिप अगर बहुत अमेजिंग है ना, तो बस फिर सब कंट्रोल में है, सब अच्छा है. तो फैंस के लिए कुछ यही कि एकता जौहरी आने वाली है कुछ समय में, अभी हम उसकी शूटिंग कर रहे हैं एंड बहुत ही कमाल की कहानी है और बहुत अमेजिंग शूट है और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं. एंड आई एम नॉट किडिंग, वी आर शूटिंग इट एक्चुअली लाइक दैट. उतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं इस शो में सब लोग. सो इट्स गोना बी एन अमेजिंग जर्नी. प्लीज़ देखिएगा, डाउनलोड द अतरंगी ओटीटी ऐप एंड वॉच एकता जौहरी ऑन इट एंड प्लीज गिव अस योर लव. ओके, थैंक यू. थैंक यू.